तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 15 अगस्त के लिए बहुत ही बवाल का फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि एक भी स्टेप मिस ना हो। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पोज में हाथों में एक लकड़ी लेकर फ़ोटो क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसको हम लेकर जाएंगे पीएस टच एप्लीकेशन में। यहां से हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अगर इस एप्लीकेशन में आपको बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कम्प्लीट। तो फटाफट हम इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं। इसका हेयर को इरेज करेंगे। हेयर को परफेक्ट तरीका से इरेज करने के लिए हम इसे मैजिक टूल से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहां से रिफाइन एड्स को सिलेक्ट करेंगे। अपने हेयर के साइड से इसे ब्रश करना है। उसके बाद हम इसे इरेज ब्रश से इरेज करेंगे। तो हमारा हेयर परफेक्ट तरीका से इरेज हो जाएगा। अब हम अपने हाथों में एक इंडिया वाली टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसे हम यहाँ पर अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ओके, बैकग्राउंड वाले लेयर को हम नीचे करेंगे। अब हम इस फोटो का मेन चीज तिरंगे का पीएनजी ऐड करेंगे। ओके, अब अपने फोटो को इधर रखेंगे। अपने हाथों के बीचों बीच तिरंगे का झंडा रखना है। ओके, हमारा तिरंगा अच्छे से ऐड हो चुका है। अब हम अपने फोटो की ओपेसिटी कम करके अपने हाथों पर से झंडे को अच्छे से इरेज कर लेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा शेडो डालेंगे। ओके, तो हमारा फोटो अच्छे से एडिट हो चुका है। तो हम इसे सेव करके इसे ले चलेंगे स्नैपशीट एप्लीकेशन में। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे,
हमारा फेस थोड़ा डार्क लग रहा है तो इसे हम थोड़ा वाइट करेंगे। इसके बाद अपना नाम ऐड करेंगे। इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। ओके। इसके बाद इसमें कलर थोड़ा डाल लेते हैं। तो ट्यून इमेज सेलेक्ट करेंगे, इसका कंट्रास्ट थोड़ा कम करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। हाईलाइट को थोड़ा कम करेंगे, शेडो को थोड़ा बढ़ा लेंगे और वार्म्थ को थोड़ा कम कर लेंगे। ओके। इसके बाद हम इसमें थोड़ा फेस स्मूथ करेंगे। तो इसे लेकर जाएंगे ऑटोडेस्क में। ओके। सबसे पहले हम इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्मज ब्रश लेंगे, ब्रश के सेटिंग का फॉलो 12 और स्ट्रेंथ को भी 12 पर रखेंगे। ओके। तो फटाफट हम सभी पार्ट्स को अच्छे से ब्रश कर लेते हैं। बाद इसके ओपेसिटी को हम थोड़ा कम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फोटो रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।